हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू ड्रग दैट इज कॉल्ड एज अश्वगंधा। तो यू ऑल नो दैट वी आर डीलिंग विद द द्रविगुण पार्ट टू, ओके, वेयर वी मेजरली डिस्कस द अबाउट द द्रव्य। ओके, व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य इज नथिंग बट द इट इज़ अ हर्बल ड्रग्स। ओके, तो हर्बल ड्रग्स जैसे कि हम अश्वगंधा अरिष्टा बनाते हैं। नॉर्मली अगर यहाँ पे हम अश्वगंधा पढ़े तो उसी के कल्पों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उसी के योगों की बात कर रहा हूँ, फॉर्मुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो अश्वगंधा अरिष्टा बनाते हैं, अश्वगंधा क्षीरपाक बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग हम ड्रग्स बनाते हैं। ओके, तो दैट इज़ कभी कभी हम क्या करते हैं, शतावरी कल्प बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम दो तीन द्रव्यों के कॉम्बिनेशन से एक नया ड्रग बनाते हैं। जैसे कि हम बाल चतुर्भद्र एक करके कल्प होता है जो कि पेडेटिक के पेशेंट को देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो द्रव्य का संगठन रहता है, द्रव्यों के कंबाइन फॉर्म के करने के बाद एक हर्बल ड्रग्स की वहाँ पे हम निर्माण करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। तो इन दैट सेम मैनर अश्वगंधा जो होता है ये भी एक पार्ट ऑफ द्रव्य होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं उसके एक हर्बल ड्रग्स बनाते हैं। तो अश्वगंधा अरिष्ट, अश्वगंधा क्षीरपाक, अश्वगंधा मशी। ओके, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं द्रव्य गुण के अंदर हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, द्रव्य को डीलिंग करते हैं। ओके, तो द्रव्य मैंने जस्ट बताया कि द्रव्यों से ही कल्पों का निर्माण होता है, जो और जो कल्प होते हैं वही हम अपने बॉडी के लिए इंटरनली यूज़ करते हैं। ओके, तो वो जो द्रव्य रहते हैं उन्हीं की स्टडी को हम द्रव्यगुण बोलते हैं। तो द्रव्यगुण का श्लोक आया हुआ है, द्रव्यगुण को डिफाइन करने का श्लोक आया हुआ है। तो द्रव्याणाम गुड़ कर्मणि, द्रव्याणाम गुड़ कर्मणि यानी कि द्रव्यों के गुड़ एंड कर्म, द्रव्याणाम गुड़ कर्मणि प्रयोग विभिस्तता, उसके कहाँ कहाँ इफेक्ट देखे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ उसके इफेक्ट हम कर सकते हैं। तो द्रव्याणाम गुड़ कर्मणि प्रयोग विभिस्तता सर्वोशो यत्र वर्णयन्ते सहस्रम द्रव्य गुणम ही ततः, जहाँ पे इनका विचार इनका उल्लेख किया गया है उस शास्त्र को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यगुण बोलते हैं। ओके, तो द्रव्यगुण के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली डीलिंग विद द द्रव्य। तो उसी के रेफरेंस में, उसी के रिलेटिव में अश्वगंधा जो है एक हमारा एक द्रव्य है। उसी द्रव्य से हम क्या करते हैं, अपने योगों का निर्माण करते हैं। योगो मतलब फॉर्मुलेशन। ओके, तो अश्वगंधा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द पर्याय नाम ऑफ अश्वगंधा। नॉर्मली अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया कि अश्वगंधा यहाँ पे नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि अश्वगंधा मतलब क्या होता है। तो अश्व मतलब होता है घोड़ा, ओके, हॉर्स, और गंधा मतलब इसके सिमिलर में जो भी कोई वहाँ पे स्मेल आ रही है। ओके, तो अश्व के सिमिलरिटी में, अश्व के रिजम्बल में जो स्मेल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, अश्वगंधा बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो इसके जो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इसका पूरा जो प्लांट होता है, अश्वगंधा का एक प्लांट होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है, नॉर्मली बहुत ही छोटा प्लांट होता है ये। ओके, तो इसका जो प्लांट होता है, ये पूरे प्लांट जो होते हैं अश्व, जैसे घोड़ा के, घोड़े के जो स्मेल आते हैं वैसे इसके प्लांट की स्मेल आती है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अश्वगंधा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अश्वगंधा के जो रूट होते हैं वो अश्वगंधा के यूरिन जैसे स्मेल आते हैं, इसलिए हम इस प्लांट को अश्वगंधा बोलते हैं। ओके, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। कहने का मतलब ये है कि अश्वगंधा जो है, ये जो प्लांट है, ये जो द्रव्य है, ये विद रिजम्बल विद हॉर्स की तरह है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा है। इसी से रिलेटेड जो हमारा पर्याय नाम है, जो सिनोनिम्स है, इसके बहुत सारे पर्याय नाम अश्वगंधा से रिलेटेड किया गया है। अश्वगंधा का जो श्लोक है कैसे पढ़ा, अश्वस्य गंध इव गंधो यस्याः सा। ओके, तो अश्वस्य गंध, ओके, घोड़ा का जो गंध है उसी से हमको क्या बोलते हैं, अश्वगंधा बोलते हैं। तो इट स्मेल लाइक हॉर्स एंड इम्पार्ट्स हॉर्स लाइक पावर्स इन सेक्सुअल एक्ट। ओके, तो यहाँ पे अश्वगंधा ये जो प्लांट, ये जो द्रव्य होता है, इसका मेजरली जो अगर मैं यूज़ बता दूँ, नॉर्मली हम यूजेस की बात फर्दर स्लाइड्स में करेंगे, तो इसका जो यूज़ अगर मैं बता दूँ तो इसका जो यूज़ होता है नॉर्मली ये वृक्ष होता है, ओके, एफ्रोडाइसिक होता है ये। अगर मैं बता दूँ कि जो हम नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस जो पढ़ते हैं, शुक्र जनन जिसे हम बोलते हैं, तो नॉट शुक्र मतलब स्पर्म इन ऑल टाइम, शुक्र मतलब होता है वहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनका निर्माण करना। ओके, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस जो हम पढ़ते हैं, और वहाँ पे अगर या फिर इजैकुलेशन में अगर अगर मेल्स की बात करें तो वहाँ पे अगर स्पर्म की इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है उसमें, ओके, तो ये दोनों फैक्टर में जहाँ पे स्पर्म की इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है और जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, ओके, इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसमें हम अश्वगंधा के योगों का यूज़ करते हैं। अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट द अश्वगंधा प्लांट, अश्वगंधा फॉर्मुलेशन वी आर यूजिंग इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो और इसका अदर यूज़ ये रहता है कि ये बल्ले होते हैं, मतलब
थोड़ा सा ये स्लाइटली मधुर रस का होता है, इसलिए इसको क्या होता है कि ये मांस धातु की पुष्टि करता है। ओके, मांस धातु की पुष्टि मतलब मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और दैट्स वाई इट एक्ट एज अ बल्ले। और इसका थर्ड इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि इट एक्ट ऑल्सो अ रसायन। ओके, एफ्रोडाइसिक तो रहता ही है और ये बॉडी को क्या करता है, रीजेनरेटिंग करता है। ओके, तो रसायन प्रॉपर्टी, बल्ले और हमारा जो वृष एक्टिविटी जो दिखाता है वो हमारा अश्वगंधा होता है, जिसका स्मेल होता है अश्वस्य गंध इव गंधो यस्याह सा। ओके, तो घोड़े की स्मेल जैसे जिसका स्मेल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अश्वगंधा बोलते हैं। अदर सिनोनिम्स अर्थात अदर पर्यायनाम की बात करेंगे तो सेम रिलेटेड विद घोड़े की जो पर्यायनाम आते हैं वही यहाँ पे किया गया। तो हयगंधा घोड़े का ही पर्यायनाम है, तुरंग गंधा और वाजी गंधा। तो वाजी गंधा, वाजी अगेन इट इज़ अ पर्यायनाम ऑफ आवर हॉर्स, तो हॉर्स के गंधे जैसे जो स्ट्रक्चर आता है उसी को वाजी गंधा बोलते हैं। ओके, और अगर मैं वाजी से रिलेटेड, अगर हॉर्स से रिलेटेड एक और परिणाम बता दूँ तो वहाँ पे वाजी दंत करके एक परिणाम आता है। किसका, वहाँ पे हम वासा का एक परिणाम आता है, एडिडोरा वैसिका जिसका लैटिन नेम होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसके जो दांत होते हैं, सॉरी उसके जो दांत होते हैं, यस उसके जो तीत होते हैं वो विद रिजेंबल ऑफ वासा के जो फ्लावर्स होते हैं उसके रिजेंबल में होता है। तो कभी पूरे प्लांट के रिजेंबल से हम उसको परिणाम देते हैं, कभी क्या होता है किसी स्ट्रक्चर्स किसी पार्ट्स पे हम उसके परिणाम को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो वाजी गंधा है जो परिणाम दिया, जो दिया गया अश्वगंधा द्रव्य के बारे में, ये पूरे प्लांट के बारे में दिया गया है कि अश्वगंधा के पूरे प्लांट जो होते हैं वो पूरे हॉर्स के जो स्मेल होते हैं उनके रिजेंबल में होता है। ओके, गात्र करी वही बोला कि देर इज़ नो अदर एरोमेटिक हर्ब विच इज़ इन गुरु दैन दिस। ओके, तो वही बोला गया कि ये एरोमेटिक हर्ब है जो कि स्मेलिंग द्रव्य होता है, तो इसमें एक अलग एरोमेटिक वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट पाया जाता है। ओके, तो हम फर्दर डिटेल अबाउट करेंगे। तुरगी वाजी करी, ओके, तो अगेन दैट मीनिंग वही है कि ये वाजीकरण होता है। ओके, तो वाजीकरण मतलब वहाँ पे एफ्रोडाइसिक होता है, वही मैंने बताया कि ये शुक्र जनन शुक्र प्रवर्धन ऐसे काइंड ऑफ एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करता है, उसको इन्हांस करता है। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस ओवोजेनेसिस स्पर्म इजेकुलेशन प्रॉब्लम, ओके, तो ये सभी प्रॉब्लम को वो ठीक करता है, अश्वगंधा इनमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अगेन यहाँ पे कुछ परिणाम की बात की, तो बल्ले मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि मांस धातु इट स्ट्रेन द मसल्स टिश्यू एंड दैट्स व्हाई इट द परिणाम ऑफ अश्वगंधा डेयर इज कॉल्ड एज अ बल्ले। ओके, वराहकरणी मतलब, वराह मतलब होता है पिग, तो दैट इज अ वराह जिसके जो लीव्स होते हैं अगर उसके लीव्स वराह यानी कि सुअर जिसे हम बोलते हैं पिग जिसे बोलते हैं उसके रिजेंबल में रहता है उसके लीव्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वराहकरणी बोलते हैं। तो अश्वगंधा का जो प्लांट होता है वो उसके जो लीव्स होते हैं वो वराहकरणी यानी कि पिग से ईयर के रिजेंबल में होते हैं। कुष्ठगंधी एंड पीवरी इट ग्रो मेनली इन फॉरेस्ट एरिया, इसी के कुष्ठगंधी बोला गया। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर पर्याय नाम। लेट्स रीड अबाउट द देयर लैटिन नेम और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं और उसके क्या क्या प्रकार है। ओके, तो इसके नॉर्मली दो प्रकार पाए जाते हैं, एक वन्य प्रकार और एक कल्टीवेटेड यानी कि ग्राम में। ओके, तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो कल्टीवेटेड वाला यूज़ करते हैं, ग्राम में वाला। ओके, और जो वाइल्ड वेराइटी होती है जो वन्य होती है वो हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। ओके, इसका जो बोटानिकल नेम यानी लैटिन नेम होता है विथेनिया सोमिनीफेरा होता है, और जो फैमिली होती है सोलेनेसी फैमिली होती है। सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी मेंबर के बहुत सारे द्रव्य आते हैं, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ओके, तो सोलेनेसी फैमिली में हमारा जो बनाना, नॉट बनाना, जो हम पोटैटो यूज़ करते हैं, सोलेनम जो हमारा जो रहता है। ओके, तो वहाँ पे जो हम पोटैटो या फिर टोमेटो ब्रिंजल ये सभी जो यूज़ करते हैं हम, ये सभी सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो अल्टीमेटली कहने का ये वहाँ पे ये मतलब है कि वहाँ पे इन सभी का सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत इन द्रव्यों को रखा जाता है। तो इन दैट सेम मैनर अपना जो अश्वगंधा होता है उसका भी फैमिली जो होता है सोलेनेसी फैमिली आता है। ओके, इसको जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इंडियन गॉसबेरी बोलते हैं। तो इंडियन गॉसबेरी अपने आमलकी को बोला था, बराबर, तो इंडियन गिनसेंग। ओके, तो इंडियन गिनसेंग इसका इंग्लिश नेम है, और या फिर विंटर चेरी भी, विंटर चेरी पॉपुलर नेम है अश्वगंधा को। ओके, और टाइप मैंने बताया आपको वन्य और ग्राम में वेराइटी में होता है, ग्राम में वाला नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फॉर एफ्रोडाइसिक फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है चरक के अकॉर्डिंग इसको बल्ले गण में रखा गया है, ब्रिण्य, ओके, महाकषाय से भी महाकषाय हैं, तो इन सभी महाकषायों में मधुर स्कंद, ओके, तो मधुर वाले जितने द्रव्य आते हैं उनमें अपने अश्वगंधा को रखा गया, क्योंकि जो इसके जो रस होते हैं ये रस मधुर रस के थोड़े रिजेंबल में आते हैं।
किसके रस, किस पार्ट के रस की मैं बात कर रहा हूँ? मैं नॉर्मली अश्वगंधा के मूलों की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली हम अपने डे टू डे डेली लाइफ में अश्वगंधा के मूलों का ही यूज़ करते हैं, अश्वगंधा के मूलों का पाउडर बनाकर यूज़ करते हैं, ओके, अश्वगंधा के मूल का काढ़ा बनाते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, अश्वगंधा के लीव्स का भी यूज़ करते हैं। तो अश्वगंधा के मूलों का यूज़ हम वेट को गेन करने के लिए करते हैं, और अश्वगंधा के जो लीव्स होते हैं उनका अगर हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, वेट को लॉस करने के लिए करते हैं। यानी फैटिगी पेशेंट हैं या फिर वहाँ पे मोटापा जैसे कोई स्टूल कोई पेशेंट है तो उनमें हम क्या करते हैं, उनके लीव्स का फॉर्मुलेशन, उनके लीव्स के बनाए हुए कल्पों का यूज़ करते हैं फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट। ओके, तो मधुर स्कंध में आता है, यानी कि कुछ हद तक कुछ स्लाइटली वहाँ पे ये मधुर रस का भी रहेगा। दैट्स वाई इट एक्ट एज अ बल्य, इट इन्हांसेस द मसल टिश्यू। ओके, शुश्रूषिता में इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। ओके, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात कर अगर मैं बता दूँ आपको, तो इसका जो प्लांट होता है वो दिखता कैसा है, वही यहाँ पे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात की गई है। तो इसका हैबिटेट ऐसा रहता है कि ये जो अश्वगंधा का जो प्लांट होता है वो नॉर्मली ज़्यादा बड़ा नहीं रहता। ओके, तो बहुत ही छोटा प्लांट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 5 फुट का ये अपना रहता है, 30 to 150 cm हाइट का रहता है। ओके, और इसकी ज़्यादा शाखाएँ भी ज़्यादा नहीं निकलती है, इसके जो लीव्स होते हैं एक क्लस्टर मैनर में लीव्स निकलते हैं। ओके, तो लीव्स जो अभी मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा, ओके, तो आई हैव मैंने आपके लिए वहाँ फ़ोटो भी कलेक्ट करके रखा है। तो इसके जो स्टेम्स होते हैं ज़्यादा इसके ब्रांचेस नहीं निकलती है, इसके जो लीव्स होते क्लस्टर मैनर में ग्रोथ होते हैं, और सर्कुलर मैनर, क्लस्टर मैनर, और वहाँ पे थोड़े से ग्रीनिश येलोइश ऐसे कलर के लीव्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ये प्लांट के। ओके, तो नॉर्मली आप गो थ्रू देख सकते हो। फ्लावर्स की अगर मैं बात करूँ, पुष्प जिसे हम बोलते हैं, तो इसके जो पुष्प होते ये नॉर्मली अपने येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर के रहते हैं, और ये भी जो इनके पुष्प रहते हैं ये भी थोड़े गुच्छे यानी कि क्लस्टर मैनर में रहते हैं। ओके, इनके फ्रूट्स अगर मैं बात कर दूँ, तो फ्रूट्स जो होते हैं फ्लावर से ही फ्रूट्स की निर्माण होती है, आपको मालूम ही है। तो वहाँ पे फ्रूट जो होता है इनका 3 फेस होता है, मतलब फ्रूट जो होता है एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, जिसे हम किसी भी फ्रूट्स की अगर बात करें, मैंगो रहता है, मैंगो के अंदर उसका पल्प होता है, देन उसके अंदर एंडोकार्प होता है, और जो पल्प जैसे होते हैं मेसोकार्प बोलते हैं, और उसके जो कवरिंग होते हैं उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। इन दैट सेम मैनर यहाँ पे इसके फ्रूट्स की एक कवरिंग होती है, जो कि क्या होता है वहाँ पे बहुत ही वो थोड़ा सा स्लाइटली शाइनी होता है। ओके, और वो क्या होता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे रस भरे हुए हैं, ऐसा लगता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसकी हार्ड एक कवरिंग होती है, देन उसके अंदर गुंजा समान अश्वगंधा के फल होते हैं, यानी कि अश्वगंधा फल के समान गुंजा जैसे, वहाँ पे गुंजा के जैसे बीज होते हैं लाल कलर के, वैसे इनके फल दिखाई देते। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ, राउंड यानी कि गोल वहाँ पे रहता है। ओके, और 5 to 8 mm अक्रॉक्स अरेंज, एक तो यानी आप एक बार गो थ्रू मार सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द सीड आर वेरी पेल ब्राउन। ओके, तो वहाँ पे येलोइश कलर के, पेल येलो कलर के इनके बीज होते हैं, जो कि रेड कलर के रेड कलर के फ्रूट के अंदर पेल येलो कलर के सीड को वहाँ पे पाया जाता है। ओके, तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखिए, मैं अभी इसी की बात कर रहा था, इसके जो लीव्स होते हैं क्लस्टर मैनर में इसके लीव्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो स्लाइटली येलोइश स्लाइटली ग्रीनिश कलर के ये लीव्स प्रोड्यूस होते हैं, क्लस्टर मैनर में ग्रो हुआ है। आप इसके स्टेम्स भी देख सकते हो, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा छोटे नहीं, ज़्यादा इसके ब्रांचेस भी नहीं रहती है। ओके, इसके जो फ्रूट्स की मैं जो बात कर रहा था, तो फ्रूट जो रहता है नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, इसके फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत ही एक थोड़ी सी कवरिंग होती है, इस कवरिंग के अंदर जो यहाँ पे रेडिश कलर के स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर विद आवर गुंजा के जो बीज होते हैं, गुंजा जिसे हम हरी पत्ती जो पानों में यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके जो बीज होते हैं उस बीजों के रिजेंबल जैसा हमारा अश्वगंधा के फ्रूट्स होते हैं, और अश्वगंधा के फ्रूट जो कि लाल कलर के हैं उसमें क्या होता है, अपने ये देखिए, आप यहाँ पे स्लाइटली मैनर में आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए यहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जहाँ पे मेरा एरो जा रहा है। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये येलोइश कलर, स्लाइटली पेल येलो कलर का यहाँ पे बीज इसके अंदर पाया जाता है। ओके, तो जो कि सीड जिसे हम बोलते हैं वो भी राउंडर कलर का रहता है। ओके, अपना शाइनिंग कलर शाइनी रहता है और राउंडेड का रहता है। ओके, तो इस रेड कलर फ्रूट के इस रेड कलर अश्वगंधा के फ्रूट्स के अंदर येलो कलर, स्लाइटली पेल येलो कलर का हमारा
अश्वगंधा के बीज पाए जाते हैं। ओके, ये अश्वगंधा के मूल होते हैं, जो कि ऐसा बोलते हैं नॉर्मली हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि अश्वगंधा के जो मूल होते हैं वो नॉर्मली इनके जो अश्वगंधा के जो यूरिन होते हैं उनके अश्वगंधा के मूत्र की तरह इनके रूट के स्मेल आते हैं। ओके, ऐसा रेफरेंस में कुछ लोगों का कहना है। इसका जो हैबिटेट है थ्रू आउट द इंडिया ये एक्सटेंडली ग्रो होता है। तो अभी हमने जस्ट बिफोर कंप्लीट किया कि इसके जो हैबिट क्या होती है, इसके कहाँ कहाँ पे, इसके प्लांट की जो साइज़ कितनी होती है, इसके जो लीव्स होते हैं नॉर्मली रिजेंबल किसी से नहीं करते हैं, ये थोड़े क्लस्टर मैनर में ग्रो होते हैं। इसके जो अश्वगंधा के जो फल होते हैं एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं गुंजा के जो बीज आते हैं। ओके, तो गुंजा के बीज की तरह इसके फल रिजेंबल होते हैं। इसके जो बीज होते हैं अश्वगंधा के जो बीज होते हैं पेल येलो कलर के, वहाँ पे अश्वगंधा के बीज होते हैं, दोनों ही वहाँ पे राउंडेड शेप के यानी कि ओवल शेप के पाए जाते हैं। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर हैबिटेट। तो हैबिटेट थ्रू आउट द इंडिया पाया जाता है, कुछ तो होते हैं कि बाहरी देशों में भी पाया जाता है। ओके, तो मेनली साउथ इंडिया में रीजन में, बहुत ही रीजन में पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, अपने जो केरला तमिलनाडु ऐसे भी जो रीजन होते हैं वहाँ पे ये बहुत ही मैनर में ग्रो होते हैं। इसका जो मेन पार्ट होता है जो हम यूज़ करते हैं वो रूटों का यूज़ करते हैं, मैंने भी जस्ट बताया। अश्वगंधा के मूल का यूज़ करते हैं नॉर्मली, और अश्वगंधा के मूलों का पाउडर बनाकर हम क्या करते हैं 3 से 6 ग्राम किसी भी फॉर्मुलेशन में इसको हम डालते हैं। और 3 से 6 ग्राम अगर हमें डायरेक्टली अश्वगंधा के मूलों का पाउडर यानी कि अश्वगंधा के मूल का चूर्ण यानी कि अश्वगंधा के मूल का पाउडर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली उसका जो वेट होता है 3 to 6 ग्राम हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, प्रतिदिन के हिसाब से। इसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट मैंने अगर मैं बताऊं आपको तो वहाँ पे विथेनिन, वहाँ पे विथेफेरिन ए, विथेनिया सोमिनीफेरा जो इसका जो लैटिन नेम आता है, तो वहाँ पे विथेनिन, विथेनिया ये से भी क्या होते हैं इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूंट पाया जाता है। ओके, सोमनिटोल, सोमनिनोन, ओके, तो ये से भी क्या होता है फॉर वहाँ पे क्या होता है ग्लाइकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, जो कि स्टार्च भी पाए जाते हैं, वहाँ पे शुगर भी पाया जाता है, अमाइनो एसिड भी पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी के या फिर बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके लिए बहुत सारे यूज़फुल होते हैं। ओके, और ये सभी जो बताया गया कि विथेफेरिन ए, विथेनोन, इन सभी से क्या होता है कि नॉर्मली मॉडर्न के लोग क्या करते हैं इनके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट, इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट को निकाल कर क्या करते हैं अपने तरीके से केमिकली वहाँ पे जाकर प्रिपेयर करते हैं, केमिकली वो एक अल्कलाइन कंडीशन का एक समथिंग वो निर्माण करते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पे अल्कलाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे इनके फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट, इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट यहाँ पे इस प्लांट में पाए जाते हैं। तो अपने अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अपने लिए ग्लाइकोसिड, ओके, ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो एसिड, शर्करा, स्टार्च, ओके, तो ये सभी ग्लूकोज, ये सभी इनके अंदर पाया जाता है। रस पंचक की बात करें तो पंचक, पंचक मतलब 5 होते हैं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक क्या है, तो एक मतलब होता है प्रभाव या फिर कर्म। तो इसका जो कर्म होता है वो नॉर्मली अपना कफ और वातज विकार में इनका यूज़ करते हैं, यानी कि कफ और वात हर है, मेनली कफ और वात हर है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो रसायन जो एक्टिविटी दिखाता है वो त्रिदोष हर होता है, तो त्रिदोष हर भी एक हद तक है, लेकिन ये नॉर्मली पित्त का शमक ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो वीर होती है, इसकी जो पोटेंसी होती है वो उष्ण वीरात्मक होती है। ओके, तो कितना भी कम करें थोड़ा सा तो पित्त का रेचन होता ही है, पित्त का वहाँ पे बढ़ा जो दिखता है, यानी कि जो पित्त का जो बढ़ा हुआ, पित्त के बढ़े हुए सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि पित्त यहाँ पे बढ़ा हुआ है, पित्त बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो दाह अगर वहाँ पे आ रहा है, गिडीनेस आ रहा है, तो ये सभी फीचर्स को देखने के बाद ही हम समझ सकते हैं तो पित्त हमारे बॉडी में बढ़ा हुआ है। तो नॉर्मली ऐसा बोला जाए कि तत्र उष्णम भ्रमत्रुटक ग्लानि दाह आशुपाकिता। ओके, तो चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है, तत्र उष्ण भ्रमत्रुट यानी घड़ी घड़ी क्या हो रहा है, हमें प्यास लग रहा है। ओके, तत्र उष्ण भ्रमत्रुट ग्लानि दाह आशुपाकिता, बर्निंग सेंसेशन एक जैसी फीलिंग आ रही है। ओके, तो ये सभी क्या हो रहा है, उष्ण वीर्य की वजह से आता है। और कहने का मतलब है कि अश्वगंधा जो होता है हॉट इन पोटेंसी का होता है, वहाँ पे क्या होता है इसकी जो वीर्य होती है उष्ण वीर्य होती है, और ड्यू टू दैट वहाँ पे क्या होता है हमारे अश्वगंधा वो थोड़ा सा पित्त को बढ़ाते हैं, और मेजरली जो करते हैं वो वात और कफ को पैसिफाई करते हैं। इसका जो रस यहाँ पे लिखा हुआ है तिक्त और कषाय रस का, ये कषाय रस तिक्त रस भी रहता है, लेकिन अलॉन्ग विद दैट चरक ने इसको मधुर स्कंद में रखा हुआ है,
यानी कि इसके कुछ हद तक मधुर रस भी रहते हैं, और डैट्स वाई वो क्या करता है अपने मसल की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप मधुर रस ऐड कर सकते हो। इसके जो गुण होते हैं लघु और स्निग्ध होते हैं, तो बॉडी में जाने के बाद अल्टीमेटली स्निग्ध गुण होने की वजह से क्या करता है वात को क्या करता है कम करता है। ओके, तो वात का जो गुण होता है रुक्ष लघु शीत बहु। ओके, तो ऐसे भी जो गुण होते हैं वात के वात रुक्ष आदि जो गुण होते हैं उनको वो कम करता है विद द हेल्प ऑफ दिस गुण। ओके, वीर मैंने अभी जस्ट बताया कि उष्ण वीर होने की वजह से क्या करता है वो दीपन का एक्टिविटी दिखाता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या करता है कि अगर अग्निमान जैसे प्रॉब्लम आई है तो ये सभी में उसको यूज़ करते हैं। कटु विपाक होता है, तो कटु विपाक को शुक्र घनो बद्ध विड वात्र लघु। ओके, तो ऐसा एक श्लोक आया हुआ है कि कटु विपाक को शुक्र घनो बद्ध विड वात्र लघु। तो इसकी एक यही खासियत होती है कि अब अश्वगंधा का नॉर्मली ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, इंस्टेड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। अभी मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताऊंगा कि इसके आमयिक प्रयोग भी कुछ बताए गए हैं। ओके, तो आमयिक प्रयोग कहने का मतलब है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं अश्वगंधा के मूलों का पाउडर बनाकर, अश्वगंधा के जो रूट्स होते हैं उनको चूर्ण बनाकर एक अलग यानी कि अलग द्रव्यों के साथ मिलाकर इनको देते हैं, तो क्या करता है इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। ये तो ठीक है, ये हद तक ठीक है कि यह इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है, लेकिन ज़्यादा लेंगे तो क्या होता है कटु विपाक अपना प्रॉपर्टी दिखाता है। तो जो नॉर्मली जो रसपंचक जो एक्टिविटी जो होते हैं ये अपना अपना एक्टिविटी एक एक वन में वन दिखाते हैं, पहला रस दिखाता है फिर वीर दिखाता है फिर वीर विपाक की नंबर आती है। तो विपाक का जब नंबर आता है वो कब आता है जब हम नॉर्मली ज़्यादा इस द्रव्य का यूज़ करते हैं। तो जब विपाक का नंबर अगर आ गया तो वो क्या करता है कटु विपाक को शुक्र घनो बद्ध विड वात्र लघु, तो कटु विपाक को शुक्र घनो वो क्या करता है स्पर्म काउंट को कम करने लगता है, जो कि नॉर्मली भी बढ़ा रहा था वो कम करने लगता है। कटु विपाक को शुक्र घनो बद्ध विड वात्र लघु, और जो हमारे जो मल होते हैं वो मल इन इस ये जो अश्वगंधा होता है अगर आप प्रॉपर अगर इसका यूज़ करोगे प्रॉपर क्वान्टिटी वाइज क्वालिटी वाइज अगर इसका यूज़ करोगे तो ये क्या होता है जो हमारे श्रेष्ठ मल एक वर्ड आता है यानी कि बॉडी से जो बाहर होता है फीसिस को बाहर निकालना मूत्र को बाहर निकालना तो ये सभी को अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो क्या होगा बद्ध कर देगा यानी कि उसको सप्रेस कर देगा उसके मूवमेंट्स को उसके इवैक्यूएशन को उसके बाहर निकलने की जो एक्टिविटी है तो उसको कम कर देगा सप्रेस कर देगा। तो कटु विपाक को शुक्र घनो बद्ध विड वात्र लघु। ओके, और ऊपर से वात को बढ़ाएगा, तो इतने सारे कटु विपाक के हैम्परिंग फंक्शन यहाँ पे हम देख सकते हो। तो आप नॉर्मली आपको एज पर प्रिस्क्रिप्शन जितना बोला गया उतना ही यूज़ करो, अदरवाइज शुक्र जनन शुक्र प्रवर्धन इजैकुलेशन ऐसे भी जो दिखा रहा है ये तो इसके साथ साथ वो उसको हैम्पर भी कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन श्लोक लिखा हुआ है भाव प्रकाश निघंडु गुड़ुचि आदि वर्ग में, तो गंधा अंधा वाजी नामादि अश्वगंधा ही हयावा। तो यहाँ पे ये वही बताया कि वाजी नाम यानी कि जो जितने भी हॉर्स के जो परिणाम है वही अश्वगंधा को बोला गया है, वराहकर्णी वरदा बलदा कुष्ठ गंधिनी। ओके, तो ये सभी परिणाम है, तो वराहकर्णी बल वही मैंने बताया कुष्ठ गंधिनी। ओके, तो ये सभी इसके सिनोनिम्स है, इसका यही श्लोक में लिखा हो गया है। अभी इसके यूजेस यहाँ पे लिखा गया है श्लोक में कि अश्वगंधा अनिल श्लेष्म श्वित्र शोथ क्षय पहा। ओके, तो आपहा मतलब कम करना, किसको कम करना अनिल श्लेष्म। ओके, यानी कफ और वात विकारों को कम करना श्वित्र। ओके, तो अश्वगंधा का तेल निकलता है, अश्वगंधा का घृत जो होता है अश्वगंधा का तेल अश्वगंधा के जो घृत होते हैं तो इनको क्या करते हैं हम नॉर्मली एक्सटर्नली यानी कि वही परिमार्जनम यानी कि एक्सटर्नली लेप करते हैं, तो क्या होता है श्वित्र जैसे प्रॉब्लम को यानी कि जो ल्यूकोडर्मा जिसे हम बोलते हैं जहाँ पर स्किन की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करता है यानी कि श्वित्र। तो नॉर्मली जो सूत्र के लिए जो बेस्ट मेडिसिन होता है वो बाकुची होता है। ओके, तो जिसे जिसका परिणाम बाकुची का इटसेल्फ उसका परिणाम सिनोनिम जो आता है वो सूत्रघ्न आता है। ओके, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा अश्वगंधा आता है जिसको ल्यूकोडर्मा यानी कि स्किन पिगमेंटेशन जैसे प्रॉब्लम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बल्या रसायनी तिक्ता कषाय उष्णा अति शुक्रला। ओके, तो शुक्र को बढ़ाता है और कषाय रस का रहता है तिक्त रस का रहता है और रसायन एक्टिविटी दिखाता है। ओके, तो रसायन यानी कि रिजुवेनेट बॉडी के हर एक सेल्स को अगर वो डेथ होने के लिए कगार पे हैं यानी कि डेथ होने वाले हैं तो उसको डेथ करके
वहाँ पे नए टिश्यू की डेवलपमेंट करना, प्रॉपर टिश्यू की डेवलपमेंट करना, एक जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको नए टिश्यू की डेवलपमेंट करना। सच्चाई अगर मैं बता दूँ कि हमारे जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन के टिश्यू भी रीडेवलप होते हैं, लीवर के हेपेटोसाइट जो होते हैं वो भी रीडेवलप होते हैं। तो स्किन में जितने भी लेयर्स, स्किन में जितने भी टिश्यू होते हैं तो वहाँ पे भी उनका रीडेवलपमेंट होता है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बता दूँ मैं कि रीजुवेनेट यानी कि बॉडी में जो एजिंग के जो कैरेक्टर आते हैं, एजिंग के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको वो ठीक करता है, उसको वो डिले करता है रसायन। यानी कि अगर हम 90 ईयर्स के अगर हम जीने वाले अगर रहेंगे तो वो 100 ईयर में कन्वर्ट कर देता है रसायन एक्टिविटी, उसी को हम बोलते हैं। तो जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम, जरा यानी कि बुढ़ापा जो है उसको कम करना और व्याधि को न आने देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रसायन बोलते हैं, जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम। ओके, तो इसका जो रेफरेंस है भाव प्रकाश निघंटु गुरुचि आदि वर्ग में इसको बोला गया है। तो यहाँ पे मैंने मल अगेन यहाँ पे मैंने ब्लैंक आपके लिए रखा है, आप गेस करिए क्या हो सकता है इसका मल। तो इसका जो मल होता है नॉर्मली है वहाँ पे मूत्र होता है और जो फीसेस होते हैं उसको बाहर अच्छे तरीके से निकालता है। ओके, दोष मैंने बताया आपको वात श्लेष्म रहता है, कफ और वात विकार में नॉर्मली इसका यूज़ करते हैं। और जो इसके धातु और अवयव कहाँ पे ये मेन इसका मेन फोकस होता है, कौन से धातु पे, तो मसल धातु पर यानी कि मांस धातु पर इसका फोकस होता है और दैट्स वाई बल ये एक्टिविटी दिखाता है। शुक्रल दिखाता है, शुक्र धातु पर इसका एक्टिविटी होती है, दैट्स वाई इट ऑल्सो एक्टिंग शुक्रल। ओके, शुक्रल मतलब शुक्र धातु को बढ़ाता है, स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है, शुक्र जनन को बढ़ाता है। ओके, रसायन एक्टिविटी दिखाता है, बॉडी को रिजुवेनेट करता है। और एक चीज़ बता दो कि इसके अश्वगंधा का जो यूज़ होता है हम नॉर्मली बीपी को कम करने के लिए करते हैं, अश्वगंधा का यूज़ हम क्या करते हैं, इट इंड्यूसेस द स्लीप। ओके, अश्व और स्लीप इंड्यूस कब होती है, जब बीपी हमारा कम हो जाता है। ओके, तो नॉर्मली रात के समय क्या होता है, जब हम नींद यानी कि जब हम स्लीप जाते हैं तो वहाँ पे इनसोमनिया अगर हम जैसे प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो बीपी जैसे प्रॉब्लम में इनसोमनिया देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे बीपी जो रहता है एक बैरियर क्रिएट करता है नींद को इंड्यूस करने के लिए। ओके, तो नींद को कम करने के लिए नींद का एक बैरियर होता है जो कि बीपी होता है। तो बीपी को कम करके नींद को इंड्यूस करता है और इनसोमनिया जैसे प्रॉब्लम को वो ठीक करता है, अश्वगंधा ठीक करता है। ओके, और ये रहता है कि अश्वगंधा के जो तेल होते हैं नॉर्मली अभी मैंने बताया अश्वगंधा के तेल जो होते हैं शूत्रघ्न भी होता है ऐसा बोला गया है। अश्वगंधा का जो तेल होते हैं वो मसल के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं ऐसा कुछ लोगों ने बोला है। अश्वगंधा का क्षीरपाक बनाते हैं। ओके, तो फर्दर स्लाइड में हम देखते हैं मल। आप मैंने बताया कि इसके जो मल होते हैं नॉर्मली मूत्रल एक्टिविटी दिखाता है और जो फीसद होते हैं अच्छे तरीके से इसको बाहर निकालता है। ओके, तो वही इसके थेरेपेटिक इंडिकेशन है, श्वित्र शोथ इन्फ्लेमेशन जैसे प्रॉब्लम में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, और क्षय जैसे यानी कि टीबी जैसे पेशेंट में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। तो टीबी में इसलिए इसका यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्निग्ध गुण का रहता है और जो हमारे जो ये ट्राकिया जैसे ब्रोंका जैसे ये सभी रहते हैं वहाँ पे क्या होता है रुक्षता डेवलप हो जाती है क्योंकि म्यूकस वहाँ पे डेवलप हो जाता है और म्यूकस क्या करता है रुक्ष कर देता है पूरे ट्रैकिया को पूरे ब्रोंका को। ड्यू टू दैट रुक्षता वहाँ पे क्या होता है हमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिनेशन होता है, डिस्पनिया होता है वहाँ पे, अदर अदर सिम्टम्स आते हैं रिलेट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं इस अश्वगंधा के मूल का, अश्वगंधा के बीज का, अलग अलग जो बताया गया अश्वगंधा के लीव्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो क्षय व्याधि यानी कि टीबी जैसे पेशेंट में भी इनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आमयिक प्रयोग बताया गया है, वेंधत्व, वेंधत्व मतलब होता है इनफर्टिलिटी। तो जैसे हम बोलते हैं कि मदर इनफर्टिलाइज हो गया है तो इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम में भी अश्वगंधा घृत बनाते हैं। अश्वगंधा घृत कैसा होता है, अश्वगंधा के चूर्णों को हम अश्वगंधा के मूलों का पाउडर बनाकर यानी अश्वगंधा मूल के पाउडर को हम क्या करते हैं घृत में डालकर उनका संस्कार करते हैं। ओके, और बाद में फिर क्या करते हैं उसको फिल्टर करके अश्वगंधा घृत बन जाता है और अश्वगंधा जो घृत होता है वो वेंधत्व। तरीका कितना सेम है और कितने जैसे प्रॉब्लम कितने बड़े प्रॉब्लम को ठीक करता है, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है क्या हमारा अश्वगंधा। ओके, चाहिए इनटेक ऑफ अश्वगंधा पिपली और शर्करा इन तीनों का योग से विथ घृत एंड हनी इनके साथ अश्वगंधा पिपली और शर्करा अगर हम लेंगे घृत और हनी के साथ तो टीबी जैसे पेशेंट में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। श्वास अगेन अस्थमा जैसे प्रॉब्लम में खांसी अगर आ रही है कफ आ रहा है बलगम है तो अश्वगंधा क्षार का यूज़ करते हैं। ओके, तो अश्वगंधा के पूरे प्लांट को जलाकर उनके एशेस बनाते हैं और एशेस को क्या करते हैं हम पानी में डिजोल्व करके ऊपर के पानी को हम ले लेते हैं, पानी में लेने के बाद उसको क्या करते हैं हम जलाते हैं तो अल्टीमेटली जब वो बहुत ही गाढ़ा पार्ट बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं क्षार बोलते हैं। तो अश्वगंधा क्षार का हम यूज़ करते हैं विथ घृत एंड हनी विथ इन
श्वास, ओके, तो कफिंग जैसे प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं। कृष अगर दुबला पतला है तो दुबला पतला में क्या करते हैं, अश्वगंधा के मूल का जो पाउडर है उसको हम क्या करते हैं घृत के साथ देते हैं पेशेंट को, और या फिर लूकॉम यानी कि स्लाइटली गर्म पानी के साथ उसको देते हैं, तो क्या करता है मसल की डेवलपमेंट होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स मधुर रस इन इट, ओके। तो ये देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड है रिगार्डिंग आवर दिस अश्वगंधा। तो ये देखिए फॉर्मुलेशन आप देख सकते हो कि अश्वगंधा अरिष्ट होता है, अश्वगंधा अवलेह बनता है, ओके, मानस मित्र आदि गुटिका, मानस मित्र वटक, ओके, तो मानस मित्र आदि जो गुटिका होता है नॉर्मली ये जो हमारा जो जो वृक्ष यानी कि जो एफ्रोडाइसिक जो कैरेक्टर जो दिखाता है उन्हीं का कलेक्शन करके हम एक वटी टैबलेट बनाते हैं। तो वो टैबलेट जैसे कि कप्पी कच्छू इसके अंदर रहता है, इसमें अश्वगंधा रहता है, इसमें आमला की भी मिलाई जाती है, तो ये सभी फॉर्मुलेशन में ये सभी योग में मानस मित्र वटक में इस फॉर्मुलेशन में हम अलग अलग अश्वगंधा का भी यूज़ करते हैं, ओके। ब्राह्मी आदि वटी, ओके, तो ब्राह्मी अगेन एक रसायन एक्टिविटी दिखाता है, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, तो उनमें भी उनकी एडिशनल प्रॉपर्टी यानी कि ब्राह्मी तो दिखाता ही है लेकिन उसके साथ साथ इसके फॉर्मुलेशन एक अलग इफेक्ट दिखाएं, और यहाँ पे इसलिए हम क्या करते हैं जो टू स्ट्रांग ड्रग यानी कि स्ट्रांग ड्रग्स को हम क्या करते हैं एक कंबाइंड मैनर में रखते हैं, ड्यू टू दैट उसका रिजल्ट जो है एक बहुत ही एक अच्छे तरीके से इसका रिजल्ट हम देख सके, इसलिए अलग अलग कंटेंट को हम एक एक साथ मिलाते हैं, ओके। बला अश्वगंधा तेल, यहाँ पे आप अगेन देख सकते हैं कि बला और अश्वगंधा दोनों के कॉम्बिनेशन से तेल का निर्माण करते हैं, एक यानी कि वहाँ पे निकालते हैं, ओके, तो वही बोला गया बला अश्वगंधा तेल हम निकालते हैं। तो ये सब ये अलग अलग क्या रहता है कि फॉर्मुलेशन बताए गए हैं, तो अगेन मैं आपको रिवाइज करा दूँ तो अभी हमने नॉर्मली इसके लैटिन नेम पढ़े वितेनिया सोमिनी परा फैमिली सोलेनिसी फैमिली पढ़े, ओके, तो इंडियन गन्समिंग इसका इंग्लिश नेम है, ओके, और मैंने टाइप्स भी बताया आपको कि एक वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड दो टाइप्स पाए जाते हैं, और इसके अगर मैं नॉर्मली यूज़ की बता दूँ कि स्लेशम और कफ यानी कि कफ और वात को नॉट स्लेशम और दोनों ही तो एक ही नाम है, स्लेशम और वात को दोनों को कम करता है, ओके, और दिखाएं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका यूज़ करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ उष्ण वीर, ओके, और क्या करता है ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है यानी कि जो ब्लड सिस्टम होता है वहाँ पे क्या करता है उसको प्यूरीफाई करता है, ओके, और ड्यू टू दैट प्यूरिफिकेशन वहाँ पे शोथ हर प्रॉपर्टी एक दिखाई देती है यानी कि इन्फ्लेमेशन जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो ऐसे मेन इसका जो सिस्टम्स होता है मेन सिस्टम जो लोकेशन होता है इसका जो मेन सिस्टम सब लोकेशन नथिंग बट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, तो प्रजनन संस्थान में इसका मेन लोकेशन होता है और क्या होता है श्वसन संस्थान और अपना जो मांस धातु की जो पुष्टि करने वाला जो तत्व था अश्वगंधा होता है, ओके, और इसके साथ साथ जो इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉर्मली ये क्या करता है रेक्टल प्रोलैप्स करता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते क्योंकि जो नया प्रोजेनी जो डेवलप हो रहा है नया फीटस जो डेवलप हो रहा है एक फीमेल के अंदर फीमेल के यूट्रस के अंदर तो वहाँ पे क्या करता है रेक्टल प्रोलैप्स, ओके, यहाँ पे क्या करता है रेक्टल मसल को क्या करता है वहाँ पे वो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसको थोड़ा सा उसके फंक्शन को ख़त्म कर देता है, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे जो एनस की जो ओपनिंग होती है बहुत ही कम हो जाती है, ओके, तो ये इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर अश्वगंधा, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू।